टेंथ क्लास संस्कृत की बुक निकालेंगे, चैप्टर नंबर 8। सभी निकालें। चैप्टर का नाम है त्रिवर्ण ध्वज है, तीन रंग का तिरंगा। सभी पढ़ेंगे इसको। केचन ने बालकः, काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वज स्म। ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः। क्या केचन, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, स्वतंत्र दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के लिए ध्वजारोहण समारोहे, जो जब तिरंगा फैलाया जाता है उसके समारोह में, ठीक है, उसके समारोह के उत्साह में जाते हुए परस्पर आपस में सलमपंथी बात करते हुए, ठीक है, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आपस में बातचीत कर रहे हैं। आगे है देवेश। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य है ध्वजारोहणम करिष्यति। अस्माकं, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, ध्वजारोहण झंडे को फहराएंगे। और चे और छात्र छात्रा संस्कृत कार्यक्रमान प्रस्तोतयन्ति, जो छात्र हैं वे क्या है, संस्कृत में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में क्या है, लड्डू मिलेंगे। फिर आगे है डेविड कहता है सुचे, सुनो सुचि जानासी, तुम क्या तुम जानते हो अस्माकं ध्वज है, ये हमारे झंडे को, क्या तुम इस झंडे को, इस तिरंगे को जानते हो। सुचि, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। सुचि कहता है हमारे देश का झंडा तिरंगा है, त्रिवर्ण तिरंगा है। उससे आगे है सलीम। सलीम कहता है रुचे, अयम त्रिवर्ण है कथम, अयम यह त्रिवर्ण है तिरंगा कथम, कैसा कैसे है यह तिरंगा कैसे है। रुचि, रुचि कहता है अस्मिन् ध्वजे त्रिय वर्णः सन्ति, अस्मिन् हमारे ध्वजे तिरंगे में त्रिय तीन वर्णा वर्ण सन्ति है, हमारे तिरंगे में तीन रंग हैं। अतः त्रिवर्ण है, अतः इसे, इसीलिए इसे तिरंगा तिरंगा कहते हैं। किम, क्या तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम नहीं जानते। सुचि, सलीम है, सलीम कहता है अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, चे इते त्रय वर्ण, केसर वर्ण केसरिया, श्वेत है सफेद और हरा, ये तीन रंग हैं। सभी रिवाइज करेंगे इसको। हमारे तिरंगे झंडे के विषय में ये चैप्टर है, उसमें कितने रंग हैं उसके विषय में बताया गया है। आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज करें। मानेगी।
आगे हैं देवेश हैं, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किं सूचयन्ति। अस्माकं हमारे ध्वजे झंडे में एते ये त्रयः तीन वर्णा वर्ण किं क्या सूचयन्ति, प्रकट मतलब क्या विशेष प्रकट करते हैं। सलीम कहता है सुनो सुनो केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण है जो केसरिया रंग है वह वीरता का। श्वेत है सत्यस्य, श्वेत है जो सफेद रंग है वह सत्य का। और हरित समृद्धि सूचका संति, हरा वर्ण समृद्धि का सूचक है। आगे है सूचि, सूचि कहता है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, किम क्या एतेषां इन वर्णानां वर्णों का अन्यदपि और कोई महत्व है, क्या इन वर्णों का इससे अलग कोई महत्व है। आम डेविड आम है हाँ कथम न कैसे नहीं। ध्वज से ऊपरी स्थित है केसर वर्ण, त्याग से उत्साह से सूचक है। ध्वज के ऊपर स्थित है जो केसरिया रंग वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण है सात्विक काया सूचिताया च सूचक है। मध्य बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विक सात्विक और सूचि सुचिता का द्योतक है। अध्य स्थित हरित वर्ण है वसुंधरा च सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक है। जो सबसे नीचे हरा रंग है वे पृथ्वी के सौंदर्य और उपजाऊपन का द्योतक है। सभी इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ध्वजस्य मध्य एकम नील वर्ण चक्रम वर्तते, ध्वज झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूचि कहता है आमे आमे हाँ हाँ इदम यह अशोक चक्रम कथ्यते। इदम क्या है इसके बीच झंडे के जो बीच में चक्र है उसको क्या कहते हैं अशोक चक्र कथ्यते कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्, एतत् यह प्रगते प्रगति च और न्यायस्य न्याय का प्रवर्तकम् प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ अशोक स्तंभे अशोक स्तंभ सारनाथे सारनाथ में है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहां से ही इसे लिया गया है। प्रणव है, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, अस्मिन् इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अरे सन्ति अरे हैं होते हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में तमे इस वर्ष समग्रता पूर्ण अस्य इस ध्वज से तिरंगे को स्वीकार किया गया। तेजिंद्र कहता है अस्माकम त्रिवर्ण है, अस्माकम हमारा त्रिवर्ण तिरंगा ध्वज है झंडा स्वाधीनता स्वाधीनता च और राष्ट्र गौरव से
राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है अतः एव स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अतः इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस अस्य इस ध्वजस्य झंडे को फहराया जाता है, हर एक समारोह में इसको फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णम तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम भारत माता की जय हो। सभी अच्छे से इसको रिवाइज करें। आप सभी को इसकी हिंदी अपनी कॉपी में लिखनी है और अच्छे से इसको रीड करना है। यस मैम। समझ में आया क्लास? यस मैम। ओके क्लास, थैंक यू।